हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी अनअकैडमी हिंदी। इस हिंदी के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और देखिए, आज हम लोग बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो वे सभी क्वेश्चंस जिनकी सबसे ज़्यादा संभावना है एग्जाम में आने की, उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इट विल बी बेस्ड ऑन प्रीलिम्स 2020, इस पर बेस्ड पूरी तरह से आधारित ये क्लास होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राइट शुरुआत करते हैं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग मोहम्मद राजिक, आसिफ अंसारी, नंदन निर्मला जी, सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग जो हैं प्रीलिम्स 2020 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज। और यहां पर आपको मैं, देखिए, आपसे क्वेश्चंस पूछने की बजाय मैं लगातार डिस्कशन करता चला जाऊंगा, ताकि क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करें। बजाय कि एक क्विज ऑर्गेनाइज करवाने के, मैं आपको स्वयं ही आंसर देता रहूंगा। एकदम क्लियर है? ताकि मैक्सिमम पॉसिबल कंटेंट्स को कवर किया जा सके। यस और नो? तो आप तैयार हैं क्या? वेरी गुड मॉर्निंग अनामिका दुबे, अदिति मेहता बेटा, गुड मॉर्निंग। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आपको मेरा रेफरल कोड पता ही है, RPSIR10। इसकी मदद से आप इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी मदद चाहिए, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रीवियस कई सारे लेक्चर्स में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दिए हुए हैं, वहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राइट, और मेरा अपना कोर्स प्लस पर चल ही रहा है, तो प्लस पर बहुत सारे फैकल्टीज, हंड्रेड्स ऑफ फैकल्टीज अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, फीस हाइक होने वाला है जल्दी, विद इन 10 डेज। तो आप क्या करिए, यदि आपने कुछ एक दो महीने, 3-4-6 महीने बाद का प्लान बना रहे, तो अभी से बना लीजिए, क्योंकि आप जो है 3-4-5 महीने पहले ही, चूंकि आप कोर्स ले लेंगे तो आपकी तैयारी पहले 10 दिनों में ही इस रेफरल कोड की मदद से जल्द कोर्सेज ले लीजिए। और अपने जो दोस्त हैं जो कोर्सेज लेना चाहते हैं, उन्हें भी यह बात जल्दी बता दीजिए, क्योंकि विद इन 10 डेज इट इज वेरी श्योर, यह कंफर्म रिपोर्ट है कि आपकी फीस हाइक जरूर होगी। ठीक है। तो बिल्कुल यूपीएससी के फॉर्म भर दीजिए आप, लेकिन वो अब नेक्स्ट ईयर में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आएंगे, मार्च में भरे जाते हैं, तो उस समय पर आप फॉर्म भर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये ब्रीफ है मेरे बारे में, मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं। यदि आप मेरे रेफरल कोड की मदद से यदि सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो आपको जो है मैं बहुत तरह की अलग अलग हेल्प्स जो कर सकता हूं वो सभी करूंगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या फायदा है? प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलती हैं, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिलती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, सही मार्गदर्शन में पढ़ाई हो जाएगी। और सबसे खास बात, जब भी आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, तो कम से कम 1.5 लाख रुपए तो केवल आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए देना होता है, और ऑप्शनल के लिए आपको अलग से 50-60,000 देना होता है, रहने का खर्चा अलग है। तो ये सभी की बजाय हम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जो कि 10 दिनों के बाद हो सकता है प्राइस हाइक हो जाए, वर्तमान में 1 साल की फीस केवल अराउंड 40,000 है। तो इस 40,000 में यू कैन गेट प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल, ये सब कुछ आप यहीं पर देख सकते हैं। तो 40,000 में आप जितने भी ऑप्शनल, आप जो भी चूज करना चाहें, सभी के ऑप्शनल की क्लासेस अवेलेबल, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी की क्लासेस अवेलेबल है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको केवल एक बार पेमेंट देनी होती है, और उसके बाद में किसी और चीज, इंटरव्यू इत्यादि के लिए जरूरत नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ आपको मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ये मेरा रेफरल कोड है, और इसकी मदद से यू विल इंस्टेंटली गेट द 10% डिस्काउंट। और आपको तुरंत 24 मंथ का यदि लेंगे, तो 57,600 का आपको टोटल चार्ज पड़ेगा। लोग हिंदी मीडियम में फॉर्म भर भी रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ी सी एक अप्रोच को चेंज करना होगा, बहुत ज्यादा, इट इज द नीड ऑफ आवर।
और इसका मतलब यह है कि हमें और वाइड पॉसिबल रिसोर्सेज, आपको देखिए जो हिंदी माध्यम का बच्चा है उसको थोड़ा बहुत कंटेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं इंग्लिश के कुछ रिसोर्सेज हैं उनका भी थोड़ा कंटेंट वो मॉड्यूलेट करके हिंदी में लिखने की आदत डाले, तो कहीं ना कहीं कमी जो है ना हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के जो फीडिंग है उसका जो अप्रोच है। आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फैकल्टीज जो हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल है, जैसे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हूं, तो मैं जो इंग्लिश में कंटेंट पढ़ाता हूं वो मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर सकता हूं। तो जैसे जैसे ये ऑनलाइन कोचिंग सिस्टम आगे बढ़ेगा ऑटोमेटिकली सभी कंटेंट हिंदी में भी आ जाएंगे। एक्चुअल में देर इज अ गैप बिटवीन हिंदी मीडियम रिसोर्सेज एंड इंग्लिश मीडियम रिसोर्सेज, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय रिसर्च पब्लिकेशन जो भी छपते हैं वो सभी इंग्लिश मीडियम में छपते हैं। अब जब वो इंग्लिश माध्यम में छप रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं रूपांतरण की आवश्यकता है, और आज की तारीख में इतने शानदार सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से हम लोग सारे कंटेंट इंग्लिश के रिसर्च पब्लिशिंग वगैरह सभी हम लोग हिंदी में प्रोवाइड करा देते हैं। तो कहीं ना कहीं भाषा में जो रिसोर्सेज का गैप है, रिसोर्सेज का गैप, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा भविष्य में, और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स देखना आप बहुत ऊपर जाएंगे, क्योंकि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट भी होते हैं और साथ ही साथ मेहनती भी होते हैं, तो जरूर आप लोग सफल होंगे। एकदम क्लियर है बात? संगीता कुमारी जी, फ्री क्लास का ऑप्शन भी आता है और आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी बता सकते हैं बेटा, जिसके पास हो वो कॉन्टेक्ट नंबर भी बता सकता है, ठीक है? चलिए, एकदम क्लियर है। तो मेरे हिसाब से जो मणिकांत करण सिंह जी का क्वेश्चन था, आप हिंदी पसंद नहीं करते, इंग्लिश पसंद नहीं करते, लेकिन आपको पसंद करना पड़ेगा, ऑप्शनल के अंदर आपको इंग्लिश का एक पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा भाई साहब, आपको करना पड़ेगा इंग्लिश तो पसंद, तभी आप उसे क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि वो बेसिक राउंड है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है, बातें क्लियर है। चलो, 57,000 का कोर्स आपको यहां मिल जाएगा, लेकिन जल्द ही फीस हाइक होने वाली है, फीस हाइक हो जाएगी, उससे पहले आप जल्द से जल्द ले लीजिए। मैं इसमें और भी कुछ मदद कर सकूं तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल, गूगल ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया है, हम लोग भी बहुत अच्छे अच्छे पब्लिशिंग स्टोरीज जो है ना वो आपको इस प्रकार से प्रोवाइड कराते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या फायदा है, आपको पर्सनलाइज कोच मिल जाता है, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक मिल जाते हैं, ठीक है? मणिकांत जी, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं मुझसे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए, तो आपको मैं बहुत ज्यादा मदद पॉजिटिवली, मैं क्या है, मेरा एक नेचर है, ह्यूमन नेचर होता है कि लोग अपना स्वार्थ देखते हैं, लेकिन मेरा एक नेचर है कि मैं मैक्सिमम पॉसिबल, ऐसा जरूरी नहीं है आप मेरे रेफरल कोड को लेंगे तभी मैं आपकी मदद करने वाला हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समटाइम्स सम पर्सन हैव एन ह्यूमन नेचर दैट इज फिलैंथ्रोपिज्म, और फिलैंथ्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, दूसरों की मदद करना, एंड आई एम रेडी टू डू इट। तो आप मुझसे किसी भी लेवल पे सजेशन लेंगे, मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक सजेशन दूंगा आपकी लाइफ के लिए, एंड आई प्रॉमिस यू आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा मेरा सजेशन, एंड इट विल नॉट बी बायस्ड, ये कभी भी बायस्ड इम्पार्शियल नहीं होगा, इट विल नॉट बी पार्शियल, इट विल बी इम्पार्शियल, राइट? बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होगा, ठीक है? जरूर मैं पॉजिटिवली आपको सजेशन दूंगा, ठीक है? चलिए, तो पहला प्रश्न, अब मैं आपको रूल बता दूं, यहां पर क्या है, मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं, ना कि मैं आपसे, आपको आता है तो आप कमेंट में आंसर बताते जाना, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा 50 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूं आज, इस थोड़े से समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को डिस्कस किया जाएगा, एंड इट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। तो पहला प्रश्न आ रहा है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जो न्यू नेमिंग ऑफ डिजीज है, जो बीमारियों का जो नाम रखा जाता है, वो इनमें से किन किन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा जाता है? जिनको आंसर्स आते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, मैं डिस्कशन करता रहूंगा, ठीक है? तो न्यू नेमिंग ऑफ डिजीज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी दिया जाता है, WHO, ठीक है? अधानम ट्रेड्रोस, आपने नाम सुना ही होगा, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस बार, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहां पर है, रोम में, रोम में मुख्यालय है, तो ये भी नेमिंग देता है जो नए रोग हैं।
और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ये भी नेम देता है, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट सही हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय रोम में है, तो इसका आंसर बेटा डी है, डी, द आंसर इज डी, याद रखना, ये ले लीजिए। कंसर्न अबाउट द स्टिग्मा, देखिए यदि मैं कभी इंग्लिश का कंटेंट आपको दिखाऊं तो मैं उसका बहुत ही सरल शाब्दिक अर्थों में हिंदी रूपांतरण भी करूंगा, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सदा से एक हिंदी माध्यम का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ा चुका हूं, इसलिए इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मैं कंफर्टेबल हूं, एकदम क्लियर। तो जो स्टिग्मा होता है इसका मतलब होता है कलंक, कलंक, स्टिग्मा का मतलब कलंक। कंसर्न अबाउट द स्टिग्मा दैट नेम ऑफ न्यू डिजीज कैन बी कॉज सर्टेन पीपल, कुछ रिलीजन और कुछ, देखो हुआ क्या था, वुहान वायरस, वुहान वायरस बार बार प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द वुहान वायरस, बट इट इज नॉट द वे, ये नहीं होता कि हम किसी एक क्षेत्र विशेष, किसी एक व्यक्ति विशेष पर टारगेट करें। और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, ये किसी भी तरह से मिनिमाइज द अननेसेसरी नेगेटिव इंपैक्ट, कभी भी किसी एक समाज को, कम्युनिटी को, किसी क्षेत्र के लोगों को एक इमेज खराब ना हो, तो इस प्रकार के क्या है, नेमिंग नहीं देने चाहिए, वुहान वायरस जैसे बोल रहे थे। तो ये तीनों पॉइंट करेक्ट है, एकदम क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग साथ ही साथ में आंसर भी देते चलना, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं आज, ठीक है। व्योम मित्र के बारे में, रिलेटेड टू व्योम मित्र क्या कथन सत्य है, तो व्योम मित्र एक फीमेल रोबोट है, क्या है, इट इज अ फीमेल रोबोट, एक फीमेल रोबोट है, और इसको जो हम लोग गगनयान भेज रहे हैं, गगनयान, इसमें इससे पहले हम लोग एक रोबोट को टेस्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार के रोबोटिक डिवाइस जैसे फेडोर रशिया ने अभी हाल ही में भेजा है, 6 फीट लंबा रोबोट जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है, इसी प्रकार से कीबो जापान ने भेजा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, और कनाडा ने, अमेरिका ने भी इस प्रकार की रोबोटिक डिवाइस भेजी, इनसे हम टेस्ट करेंगे पहले कि क्या हमारे जो 3 मानव जाने वाले हैं, द गगननॉट या व्योमनॉट, क्या वो तैयार हैं। तो यह एक स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और व्योम मित्र एक फीमेल रोबोट है, इट इज गाइनोबॉट, यह एक फीमेल रोबोट है, एकदम क्लियर। चलिए, बिल्कुल ए आंसर है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पूरे जोश में पार्टिसिपेशन करते रहना, है ना। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, भारत का पहला मैंड मिशन होगा दिसंबर 2021 में एक्सपेक्टेड है, डेट डिले हो सकती है, क्यों, क्योंकि हम इससे पहले चंद्रयान 3 को भेजना चाह रहे हैं, तो इसलिए गगनयान को थोड़ा डिले किया जा सकता है, और वहां पर हम लोग 3 मानव को भेज रहे हैं, उनकी सुरक्षा जो है ना पहली प्राथमिकता है किसी भी देश के लिए, तो इसलिए कोई भी कमी लगती है तो इसे डिले किया जा सकता है, जैसे हमने चंद्रयान 3 को भी डिले किया था। व्योम मित्र एक लेडी रोबोट है, गगनयान के लिए भेजा जा रहा है, व्योम का मतलब होता है स्पेस और मित्र का मतलब फ्रेंड, मतलब आकाश में मित्र बनेगा हमारे सभी जो भी व्यक्ति जाएंगे उनके लिए मित्र का काम करेगा, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो ये पॉइंट में आपका ए आंसर सही है। तीसरा प्रश्न आ गया है नेत्र पर, नेत्र से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं, विच ऑल द पॉइंट्स करेक्ट रिलेटेड टू नेत्र, नेत्र के बारे में क्या सही है, देख लीजिए एक बार, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो आपने एक डिफेंस सिस्टम का नाम सुना होगा, अवॉक्स, अवॉक्स का नाम सुना है, अवॉक्स इज़राइल का एक अर्ली एयर वार्निंग सिस्टम है, और इसको हमने ब्राजील के जो विमान है एम्ब्रेयर नाम के जो विमान है उस पर हमने अवॉक्स लगाया हुआ है, कोई भी खतरा चारों तरफ से आता है अर्ली वार्निंग मिल जाती है। लेकिन नेत्र जो है डिफेंस में भी काम का है और आजकल स्पेस में, तो
इस पृथ्वी के चारों ओर जो स्पेस डेब्री है, इतना ज्यादा मलबा है, उनकी लोकेशन कहां कहां पर है, इसकी मैपिंग करने के लिए नेत्र बनाया गया। तो नेत्र डिफेंस में भी काम का है और स्पेस में भी काम का है। इसके अलावा जब भी हम सैटेलाइट भेजते हैं ना, तो हम लोग नॉराड नाम की एजेंसी जो अमेरिका, यूएसए और कनाडा की है, तो नॉराड की मदद से हम लोग पता लगाते हैं कहां कहां पर स्पेस डेब्री है। लेकिन नेत्र जो है, तो ये देखिए नेत्र के बारे में क्या सही है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है। और जो मलबा है, हैजार्डस डेब्री जो स्पेस में है, उसकी पूरी मैपिंग कर लेगा। जैसे नॉराड कंपनी से हम लोग मदद ले रहे थे, अब भारत का अपना स्वयं का है। तो इस पर क्वेश्चन आना लाजमी क्यों है, क्योंकि ये इंडिजिनाइज्ड टेक्नोलॉजी है, घरेलू टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा यूपीएससी प्रश्न लेता है, यस और नो। इसके बाद में परियोजना में अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने के लिए इसरो द्वारा उपग्रह का प्रक्षेपण सही है, सभी उपग्रहों को ट्रैक करेगा और संरक्षित करेगा। तो देख लीजिए यहां पर आंसर नहीं दिया, ये तीनों पॉइंट सही हैं नेत्र के बारे में। और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में 36,000 किलोमीटर में इसको लगाया जाएगा, और ये बहुत सारी सैटेलाइट की मदद से स्पेस डेब्री के मलबे को ट्रैक करेगा, ठीक है, जितना भी स्पेस में मलबा है। और इसके लिए हम लोग कहां कहां पर, किस किस जगह पर टेलीस्कोप और रडार लगा रहे हैं, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आ रहा है पोन्नमुडी, तिरुवनंतपुरम, माउंट आबू जो राजस्थान में, मैं यहीं से बिलोंग करता हूं दोस्तों, वन इन डीप लेह में, और एक नॉर्थ ईस्ट में। इस प्रकार की चार टेलीस्कोप लगाई जाएंगी जो इस पूरे स्पेस डेब्री को लोकेट करेगा। एकदम क्लियर है, तो बिल्कुल सभी राइट है, ठीक है, डी इज राइट। तो इसरोज मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार होगा ये नेत्र, ठीक है, ये सारी बातें क्लियर है। तो इसमें नेत्र में तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं, द आंसर विल बी डी, ठीक है, आंसर विल बी डी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, देखिए अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक 2017, स्पेस एक्टिविटी बिल, क्या आपने हालिया एक रिपोर्ट के बारे में सुना जो अमेरिका की एजेंसीज ने पब्लिश की और बताया कि 2017 और 18 के बीच में चाइनीज हैकर ने इसरो की बहुत सारी सैटेलाइट्स को हैक करने की कोशिश की, और अमेरिका ने यह भी बताया कि वो बिल्कुल असफल रहे, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किए कि इसरो को हैक किया जाए। अब होता क्या है, कोई भी सैटेलाइट को यदि हैक कर लिया जाए, उसके ग्राउंड स्टेशन पर, एक्चुअल में सभी जो ये हमारी सैटेलाइट है ना, वो या तो हमारे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो हैदराबाद में लोकेटेड है, डीप स्पेस नेटवर्क ब्यालालू, तो ये जो ग्राउंड स्टेशन है, इनको यदि हैक कर लिया जाएगा तो उन सैटेलाइट्स की गति को कम ज्यादा किया जा सकता है, उसमें गलत आंकड़े पेश किए जा सकते हैं, राइट। तो जैसे आपको एक और बहुत शानदार बात बताता हूं, रिसेट टू बी सैटेलाइट, उसकी मदद से ही हमारा जो बालाकोट का अटैक हुआ था, उसमें क्लाउडी वेदर होने के बाद भी हमारा जो मिराज 2000 प्लेन की मदद से हमने पूरा वो एयर स्ट्राइक और इत्यादि कवर किया था, वो सभी सफल इसलिए हो पाया क्योंकि हमारी रिसेट टू बी सैटेलाइट बहुत अच्छा काम कर रही थी। रिसेट टू बी ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी है, और ये क्लाउडी वेदर में भी क्या कर सकती है, इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो यदि इसकी इंफॉर्मेशन गलत दे देते तो आप सोचिए कि भारत को कितना नुकसान होता। इसलिए कोई भी देश यदि हमारी सैटेलाइट को हैक कर लेता है तो बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, यह बात क्लियर है। तो अंतरिक्ष गतिविधि विधेयक के बारे में क्या कथन सत्य है, इट अ नॉन ट्रांसफरेबल लाइसेंस शैल बी प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनी पर्सन कैरिंग द कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी। अब आपने एक चीज सुनी होगी, एकदम क्लियर हो रहा है चलिए, किसी भी व्यक्ति, जैसे अमेरिका, जितने भी डेवलप्ड नेशन है, वहां पर व्यक्तिगत रूप से लोग स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं,
भारत में कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति भारत में भी पार्टिसिपेट करे, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हो जाए। तो बिल्कुल ऐसा पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधि के लिए किसी भी व्यक्ति को गैर हस्तांतरित लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, वो स्पेस रिसर्च में काम कर सकता है। जैसे इलॉन मस्क, जैसे लॉकहीड मार्टिन, जैसे बोइंग कंपनी, ये भी तो अमेरिका को मदद कर रही है। व्यक्तिगत रूप से आपके पास बहुत पैसा है तो आप स्पेस में रिसर्च कर सकते हैं और भारत के इसरो की मदद कर सकते हैं, ठीक है। देर आर प्रोविजन टू फाइनेंशियल सब्सिडी, लेकिन अभी तक भारत ने कोई इस क्षेत्र में फाइनेंशियल सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता है कि कुछ उपदान, सब्सिडी को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, उपदान, तो किसी प्रकार का उपदान भारत देश नहीं करेगा, जैसे हम लोग पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को करते हैं, तो यहां पर कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेस एक्टिविटी बिल, आपको यह पॉइंट याद रखने, देखिए स्पेस एक्टिविटी बिल आया कब था, 2014 में। द बिल इंटेंडेड टू प्रमोट एंड रेगुलेट द स्पेस एक्टिविटी इन इंडिया, बिल शैल अप्लाई एवरी सिटीजन, सभी को देंगे। और देख लीजिए यहां पर, नॉन ट्रांसफरेबल लाइसेंस शैल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन किसी भी प्रकार की सब्सिडी की बात नहीं की गई है, ठीक है। तो आपको यह पॉइंट, पहला पॉइंट सही है, सेकेंड पॉइंट इनकरेक्ट है, सब्सिडी नहीं दी जाएगी। प्रतिमा राज्यवर्धन जी, गुड मॉर्निंग, ग्रेट टाइगर, बिल्कुल बिल्कुल, 2012 में चाइना ने हैकिंग की थी अमेरिका की सैटेलाइट को। देखिए किसी भी सैटेलाइट को हैक करके उनकी गति को कम ज्यादा किया जा सकता है, तो उसका जो एक्चुअल टास्क है, एक्चुअल में क्या है, यूरोप के सैटेलाइट, जापान के सैटेलाइट और अमेरिका के सैटेलाइट, उनमें बूस्टर टेक्नोलॉजी भी लगी है, तो जब चाहे वो किसी दूसरी कक्षा में जा सकते हैं, नीचे वाली कक्षा में आ सकते हैं। तो होता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है ना, उसमें कहीं ना कहीं स्पूफिंग, उसमें कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर देंगे, मिस इंटरप्टेड डेटा को भेज देंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ग्रेट टाइगर, बहुत बढ़िया। तो अर्चना जी सबको क्लियर हो गया, वन आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पांचवा, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसके बारे में क्या कथन सत्य है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में क्या कथन सत्य है। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से पढ़ लीजिए हिंदी इंग्लिश में, दोनों ही कथन सत्य हैं। डायरेक्टली इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स है ना, इन MCQs के माध्यम से सारे कवर हो जाएंगे, तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा साइंस एंड टेक का, ठीक है। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक व्यापक और समन्वय रूप से स्थापित किया गया है। कैबिनेट सचिव के अनुमोदन के अधीन निकाय को व्यक्तिगत संस्था के रूप में निगरानी रखनी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर इस बारे में बिल्कुल सही बात है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, और जितने भी अलग अलग प्रकार के साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये सभी अलग अलग पोर्टल्स हम लोग बना रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें साइबर क्राइम के खिलाफ काम करना है, ताकि किसी प्रकार की टेररिज्म एक्टिविटीज भी इस क्षेत्र में ना हो सके, ठीक है। और देखिए, द बॉडी विल हैव पावर टू सर्वेलेंस एंड इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सचिव के लेवल पे अनुमोदन होगा इसके अधीन निकाय का, और जो भी व्यक्ति है उन पर निगरानी रखने के लिए कैबिनेट लेवल पर क्या होगा, अनुमोदन दिया जाएगा, अप्रूवल दिया जाएगा। एकदम क्लियर। तो पहला पॉइंट भी सही है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है, जो कि भारत में सुरक्षा, साइबर सुरक्षा के लिए। आप मेरे कभी भी नासा के, जब भी आपको समय लगे, यूट्यूब पर 5 वीडियोस अवेलेबल हैं। लगभग मैंने 7 से 8 घंटे नासा के, विश्व की, दुनिया के जितने भी एजेंसीज हैं, उन सभी के मिशंस को कवर किया है, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स के साथ। तो एनी टाइम यू कैन कवर दीज आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, राइट। कार्टोसैट 2D सैटेलाइट के बारे में क्या कथन सत्य है, राइट, व्हाट इज करेक्ट अबाउट कार्टोसैट 2D।
आपको पता होगा कार्टोसेट के तीन वर्जन है, एक दो और तीन। तीन इसकी सीरीज आई, तीसरी सीरीज अब चल रही है ना। और ये लगभग 700 किलोग्राम के करीब की सैटेलाइट्स होती हैं, पूरे पृथ्वी का मैपिंग करती हैं। तो देखिए, क्रिएशन ऑफ द लैंड यूज मैप, भूमि के उपयोग हेतु मानचित्र का निर्माण करना, जो हमारी कोस्टल लैंड है तटीय भूमि को विनिमय रेगुलेट करना, और सड़क नेटवर्क पर सर्वेलेंस देना, ये सभी तीनों काम है कार्टोसेट 2 सैटेलाइट्स के, सभी कार्टोसेट के ये काम है। लेकिन कार्टोसेट 2 और रिसेट बी में क्या अंतर है? रिसेट 2 बी ज्यादा शानदार सैटेलाइट है, क्योंकि ये क्लाउडी वेदर में भी आपको इमेजिंग दे सकती है। ठीक है, एकदम क्लियर। नमस्कार। बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी को भारत अभी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही है। कार्टोसेट सीरीज हम लोग अलग अलग समय पर भेजते रहे हैं, इसमें रोड नेटवर्क रेगुलेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पानी कहां कहां पर बटा हुआ है, ये सभी, और जियोग्राफिकल मैपिंग, और सबसे खास बात जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूरे पृथ्वी का एक मैपिंग किया जा सकता है इन सैटेलाइट के द्वारा। तो कार्टोसेट 2 के बारे में ये तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही हैं। अगला चलते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, इसी को 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना, नोबेल पुरस्कार पीबल, मेयर और डीडियर। भौतिकी का पीबल, मेयर और डीडियर, इन तीन व्यक्तियों को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये जो है ब्रह्मांड के विस्तार, आपको पता है ना, यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है, विस्तार पर आधारित है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। और आपसे पूछा जाए कभी कि दो आकाशगंगाओं में दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, इसको किससे मैप कर रहे हैं, तो इसको हम लोग रेड शिफ्ट थ्योरी। आप में से बिल्कुल, तो ये ब्रह्मांड के विस्तार पर है। आप में से कितने बच्चों को यह बात पता है कि सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन क्या होता है? इस पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की मदद से हम लोग बिग बैंग थ्योरी और किस प्रकार लगातार ब्रह्मांड फैल रहा है उसके बारे में हम लोग बात बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, एकदम क्लियर। अगला प्रश्न आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इक्विटोरियल प्लाज्मा बबल के बारे में क्या कथन सत्य हैं? इक्विटोरियल प्लाज्मा बबल बहुत ज्यादा चर्चा में था ये, तो क्या इक्विटोरियल प्लाज्मा बबल, क्या ये पृथ्वी है उसके इक्वेटर के नीचे वाले भाग में होता है क्या, और हमारे जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है क्या इसको ये डिग्रेड कर देता है, कमजोर कर देता है? तो देखिए, आपको एक बात तो पता है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर पर एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, और सूर्य से आने वाला प्लाज्मा पृथ्वी में लगातार टक्कर मार रहा है, और इसीलिए पृथ्वी के बाहर एक आयनोस्फीयर बना है, आयन का पूरा एक मंडल बना है, आयन मंडल। तो जो ये इक्विटोरियल प्लाज्मा बबल है वो भूमध्य रेखा क्षेत्र के नीचे नहीं, भूमध्य रेखा क्षेत्र के ऊपर है, जहां पर सूर्य से आने वाली सोलर विंड लगातार हमारे, तो जो स्पेस वेदर, मतलब सूर्य से आने वाला जो वातावरण है जो पृथ्वी के वेदर से टकराता है, यहीं पर बनते हैं इक्विटोरियल प्लाज्मा बबल। तो ये नीचे नहीं है, ये ऊपर है, पहला पॉइंट क्लियर। और बिल्कुल हमारा जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, जीपीएस ग्लासनोस जो रशिया का है, बेडू चाइना का है, गैलीलियो यूरोप का है, उन सभी के को डिग्रेड करता है। तो सेकंड वाला पॉइंट सही है, फर्स्ट पॉइंट इनकरेक्ट है। पॉइंट क्लियर हो गया तो कंफर्म कर दीजिए, इक्विटोरियल प्लाज्मा बबल जो है
आयनोस्फेरिक फिनोमिना है, जियोमैग्नेटिज्म के कारण लगातार ये सोलर विंड्स पृथ्वी पर आती हैं और दोनों पोल्स पर जाती हैं और कुछ हमारे विषुवत रेखा पर टकराती हैं। एकदम क्लियर? यस, बी क्लियर है। तो ये डिग्रेड करता है हमारे जीपीएस को। तो देख लीजिए, सेकंड पॉइंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न आ गया है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पेरिस वॉल के बारे में जो न्यूज में आता रहता है, पेरिस वॉल, इसके बारे में क्या कथन सत्य है? राइट, व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस? देखिए, पेरिस की जब भी बात आती है तो आपके दिमाग में क्या कोट आता है? हमें पेरिस समझौता क्लाइमेट 2015 में जो COP21 हुआ था, यह बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल था। क्यों? क्योंकि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पेरिस समझौते से बाहर चले गए थे। तो पेरिस समझौता, लेकिन यहां पर पेरिस समझौते से मतलब नहीं है, पेरिस कॉल एक डिफरेंट टर्म है और इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल कॉलिशन ऑफ द फाइट ऑफ साइबर थ्रेट। साइबर थ्रेट के बारे में COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सभी देश मिलते हैं, इस पृथ्वी के पर्यावरण को कैसे सुधारा जाए उस पर सोचते हैं, और पेरिस समझौते में यह बात आई थी कि किसी भी परिस्थिति में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पृथ्वी का औसत तापमान नहीं बढ़ना चाहिए। व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ? इट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 1.5 डिग्री से ज्यादा यदि बढ़ जाएगा तो इस पृथ्वी पर इरिवर्सिबल कॉज, मतलब पृथ्वी के पर्यावरण को पुनः पहला जैसा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो एंथ्रोपोजेनिक गतिविधि की तरह से उसी प्रकार से घटनाएं होंगी जो अब तक 5 बार इस पूरी पृथ्वी को 80% सभी बायोडाइवर्सिटीज खत्म हो गई थी। यस और नो? तो वो पेरिस समझौता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पेरिस कॉल जो है ना, साइबर खतरों से लड़ने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या? कंफर्म करते चलना बेटा। तो पेरिस कॉल इज एन इंटरनेशनल डिक्लेरेशन फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस। इन 2018, जबकि पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में, द इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ऑफ यूनेस्को। तो ये किससे रिलेटेड है? यूनेस्को। तो जल्दी से मैं ये देखना चाहता हूं बच्चों कि एक तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां है, वेर इज यूनेस्कोज हेडक्वार्टर लोकेटेड, जल्दी से बता दीजिए। एक और पॉइंट बता दीजिए, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपको बताना। यादव यादव जी को एकदम क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है यह भी बता दीजिए, और एक और पॉइंट मुझे आप बता दीजिए कि भारत में कुल टोटल कितनी यूनेस्को साइट्स हैं, और दुनिया में किस देश के पास सबसे ज्यादा यूनेस्को की साइट है। यह जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, वो प्रिलिमिनरीज फैक्ट के रूप में आए हुए प्रश्न है, ठीक है? चलिए, ठीक है। तो 150 एनजीओ, 64 स्टेट्स, और ये सब क्या करेंगे? पार्टिसिपेट कर रहे हैं साइबर थ्रेट को लेकर। तो पेरिस कॉल साइबर थ्रेट से रिलेटेड है। अगला प्रश्न आ रहा है, ट्रांस फैट, आप लोग बहुत सुनते होंगे, पाम ऑयल, मलेशिया से हमने पाम ऑयल लेना बंद कर दिया, तो ट्रांस फैट के बारे में क्या कथन सत्य है? व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रांस फैट? तो देखिए, ट्रांस फैट भोजन की शेल्फ लाइफ को कम करता है क्या? नहीं। हम लोग जो भी डालडा खाते हैं, डालडा, उसमें क्या करते हैं? हाइड्रोजनाइजेशन प्रोसेस, मतलब उसमें क्या करते हैं, डालडा को, ये डालडा जो है ना, इसको अनसेचुरेटेड से सेचुरेट कर देते हैं। जब कोई भी चीज सेचुरेट हो जाएगी तो वो किसी और से रिएक्ट नहीं करेगी और लंबे समय तक सड़ेगी नहीं, खराब नहीं होगी। तो ट्रांस फैट डालडा का उदाहरण है। हाइड्रोजनाइजेशन प्रोसेस से हम लोग लंबे समय तक संरक्षण कर देते हैं, तो ट्रांस फैट भोजन की शेल्फ लाइफ को कम नहीं, बढ़ाते हैं, ठीक है? बढ़ाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ट्रांस फैट खराब कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाते हैं, बिल्कुल, लेकिन डालडा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट करता है
और हमारी नलिकाओं में जमने लगता है और इसके कारण हमें हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है कोरोनरी धमनी में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट पॉइंट गलत है, क्योंकि ट्रांस फैट जो है पार्शियली हाइड्रोजनाइजेटेड होते हैं और ये शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको ये दो पॉइंट एलडीएल और एचडीएल जरूर पता होने चाहिए, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यह है शरीर के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह हमारे शरीर में मदद करते हैं, जबकि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यह हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। डालडा इसी में आता है, ट्रांस फैट शेल्फ जीवन को बढ़ाते हैं, पहला पॉइंट गलत, सेकंड सही है, कोलेस्ट्रॉल खतरनाक होते हैं, हमारे रक्त में जमने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये तो हुआ मेरे आपको 10 क्वेश्चंस पर मैंने डिस्कशन, आपको बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे अगले 20 प्रश्नों पर और डिस्कस करने वाला हूं, ताकि मैं आज आपके साथ वे सभी 50 क्वेश्चंस जिनकी पूरी पूरी संभावना है एग्जाम में आने की, उन सभी पर डिस्कस कर सकूं। तो अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रीजन ऑफ द हाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन इंडिया। भारत में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में कौन सा कथन सत्य है? क्या उच्च जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनसे पशुधन में एंटीबायोटिक, तो बिल्कुल सही बात है, पोल्ट्री फार्म जितने भी हमारे गाय भैंस मवेशी हैं उनके अंदर हम लोग बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कर रहे हैं। आपने फॉर्मेल्डिहाइड भी बहुत ज्यादा चर्चा में सुना होगा, जिसे फॉर्मेलिन कहते हैं, मछलियों के अंदर बहुत ज्यादा डाला जाता है वो। तो देखिए, पशुधन में एंटीबायोटिक्स में एक हमारा बैड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, हम लोग क्या होता है, हमारे आसपास बहुत ही गंदा वातावरण रहता है और इसके कारण जीवाणु हमारे अंदर बहुत ज्यादा आ जाते हैं और हमारा जो है ना एंटीबायोटिक उसमें काम नहीं करता, और कई बार हम लोग इनकम्प्लीट एंटीबायोटिक डोजेज लेते हैं। तो तीनों ही कारण हैं कि हमारे शरीर में जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो लगातार ये बढ़ता जा रहा है। मतलब कोई भी जीवाणु हमारे शरीर में अटैक कर रहे हैं ना, तो उनके खिलाफ हम जो दवाइयों के रूप में एंटीबायोटिक्स देते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे हैं। ये बात क्लियर हुई? तो ऑल द थ्री आर करेक्ट रिगार्डिंग द हाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिए। बेटा थोड़ा आकार बढ़ा दूंगा तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी कमी मिलेगी। रश्मि प्रजापति जी कह रहे हैं थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ा दूं। देखिए, एक तो ये फिक्स है, मैं चेंज ज्यादा कर नहीं सकता। दूसरा पॉइंट क्या है, आप बजाय आपके फोन को जो इस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग फोन को इस प्रकार से प्रयोग करिए हॉरिजॉन्टल, तो आपको कंटेंट बिल्कुल बराबर दिखेंगे बेटा। क्योंकि कमेंट की बजाय आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्लास में आपको ज्यादा से ज्यादा मैं कंटेंट प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूं। मैसेजेस में पार्टिसिपेट करने की बजाय आप इसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, इस प्रकार बिल्कुल कंटेंट दिखेंगे गाइस। ठीक है, बिल्कुल कंटेंट दिखेंगे। चलो, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? क्या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 स्टेजेस के होते हैं? बिल्कुल गलत, GSLV होते हैं 3 स्टेज के, और GSLV की जो तीसरी सबसे अपर यूनिट होती है, सबसे ऊपर वाली यूनिट, वो क्रायोजेनिक होती है। दूसरा, PSLV इट हैज बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेज, बिल्कुल सही है। PSLV में 1, 2, 3 एंड 4, तो पहली स्टेज सॉलिड, दूसरी स्टेज लिक्विड, तीसरी स्टेज सॉलिड, चौथी स्टेज लिक्विड, तो इसमें बिल्कुल पहली और तीसरी सॉलिड स्टेज है और दूसरी और चौथी लिक्विड स्टेज है, तो इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों होते हैं। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, इट कैनॉट लॉन्च द सैटेलाइट इन पोलर ऑर्बिट। भाई पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फुल फॉर्म में ये है,
तो हम लोग पीएसएलवी की मदद से न सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट में, न सिर्फ ध्रुवीय ऑर्बिट में, मतलब ध्रुव से ध्रुव जो सैटेलाइट घूमती है, बल्कि हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी भेजते हैं। तो ये पीएसएलवी की मदद से हम लोग सभी प्रकार की सैटेलाइट भेज सकते हैं। बस एक कमी है, तो वो क्या है? पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल की मदद से हम लोग 1750 किलोग्राम से ज्यादा वजन के सैटेलाइट को लॉन्च नहीं कर सकते जियो अर्थ ऑर्बिट में। ये एक कमी है। जबकि जीएसएलवी की मदद से हम लोग 4000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट भेज सकते हैं, है ना, जो 36000 किलोमीटर की रेंज है वहां पर जीएसएलवी की मदद से 4000 किलोग्राम के, जबकि पीएसएलवी से हम लोग कम वजन के सैटेलाइट भेज सकते हैं। तो बिल्कुल क्या है इसका आंसर, क्या करेक्ट है, देख लीजिए आंसर क्या करेक्ट है। केवल थर्ड पॉइंट सी पॉइंट सही है। इससे केवल इट कैन नॉट लॉन्च, ये भेज सकता है। तीसरा पॉइंट भी गलत है, पहला पॉइंट भी गलत है, चार स्टेज्ड है और दोनों अवस्थाएं हैं ये सही है। अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, श्रीहरिकोटा कहां पर है? आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश में, कभी भी तमिलनाडु मत दे देना। और श्रीहरिकोटा जो है पुलिकट जो झील है वहां पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में, एकदम क्लियर। तो इसका आंसर सी सही है। वेरी गुड मोहम्मद रजिक जी, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में क्या कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो देखिए वास्तविक समय में, तो देखिए सबसे पहली बात बता दूं मैं आपको, रियल टाइम ट्रेन सिस्टम जो है ना, चूंकि स्पेस से हमें नेटवर्क मिल रहा है, और आप लोग जो देखते हैं ना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, क्या देखते हैं आप लोग, फोन में कभी भी किसी भी ट्रेन की लोकेशन, वो किस विलेज में खड़ी है, किस गति से चल रही है, कब कहां पहुंचेगी, वही रियल टाइम ट्रेन सिस्टम इंफॉर्मेशन है। और इसमें ये डीआरडीओ कैसे बना सकता है भाई, ये तो इसरो बनाएगा ना, क्योंकि सैटेलाइट से रिलेटेड है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर गगन रिसीवर से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। सही निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स की मदद से पता चल जाता है कि स्टेशन कहां पर मूवमेंट कितनी गति से ट्रेन चल रही है। तो देखिए पहला वाला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि डीआरडीओ दिया है, इसरो आएगा। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है ना। तो ये आपको रियल टाइम ट्रेन सिस्टम में, हम लोगों को नेशनल ट्रेन एंक्वायरी सिस्टम भी, ये सब हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट गलत है, केवल सेकंड सही है, ओनली टू इज करेक्ट, एकदम क्लियर। ट्रेन के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब आपका अगला प्रश्न है धनुष गन के बारे में क्या कथन सत्य है? व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग धनुष तोपों के बारे में? क्या इनकी रेंज 200 किलोमीटर है? धनुष गनों की रेंज क्या 200 किलोमीटर है क्या, बताइए? क्या ये बोफोर्स गन का उन्नत संस्करण है? बिल्कुल सही बात है, जो धनुष गन है ना, दिस इज द हायर वर्जन ऑफ बोफोर्स। लेकिन क्या बोफोर्स रशिया की है? अरे स्वीडन की है भाई बोफोर्स। ग्रिपन नाम का जो प्लेन है वो भी स्वीडन का है, और बोफोर्स तोपे इतनी ज्यादा जो कंट्रोवर्सी में रही वो भी कहां की है? स्वीडन की है। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही है कि जीपीएस तकनीकी वाला इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। और कैमरा इमेजिंग और लेजर रेंज फाइंडर स्वचलित ऑटोनोमस बंदूक है, बिल्कुल सही बात है। तो देख लीजिए हिंदी में बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है। धनुष गन जो हैं वो तोपें 155 कैलिबर की 45 कैलिबर वाली तोप हैं। इनकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर, 36 से 40 किलोमीटर की रेंज है, ना कि 200 किलोमीटर। और बोफोर्स गन जो हैं ये उन्नत वर्जन है, लेकिन कहां की है? ये स्वीडन की, याद रखना। तो पहला और सेकंड पॉइंट ये 200 गलत है,
और ये रशिया गलत है। बाकी तीसरा और चौथा पॉइंट बिल्कुल सही है, सी विल बी द आंसर, राइट करेक्ट है, वेरी गुड। चलिए, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में क्या कथन सत्य है? अब तक हम लोग 16 प्रश्न प्लस बहुत सारे कंटेंट को चर्चा कर चुके हैं, बहुत सारी चर्चा करेंगे। रियाज खान, वेरी गुड मॉर्निंग। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, क्या जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया है? बिल्कुल सही बात है। और देखिए, इसको हम लोग नाविक भी कहते हैं, और यह भारत का रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम है जो भारत के 1500 किलोमीटर के दायरे के बाहर की चीजों को भी बता सकता है, लोकेट कर सकता है। ठीक है, पहला वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। और आपको यह बात भी पता होगी कि हमने टोटल 7 सैटेलाइट भेजी हैं नाविक के अकॉर्डिंग, 7 कॉन्स्टेलेशन, और इनमें 3 तो जियो स्टेशनरी और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी क्या होती है? जो इक्वेटर के पैरेलल ऐसे घूमती हैं। जियो ट्रांसफरिंग क्या होती है? जो इस प्रकार से एक एंगल पे घूमती है, एकदम क्लियर। तो पहला वाला पॉइंट सही है, ये मैरीन नेविगेशन नॉट पॉसिबल, भैया ये तो गलत हो गया, संभव है। सेकंड पॉइंट इनकरेक्ट, जहां पर सेकंड पॉइंट आ रहा है इनकरेक्ट कर दीजिए, ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, और ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो आपके दूसरा पॉइंट पढ़ने पर तुरंत पता चल जाता है कि ये 3 पॉइंट गलत हो गए। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम की सर्विसेज एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, बिल्कुल सही है। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है दोस्तों, एकदम क्लियर है। तो डी इज करेक्ट, एकदम क्लियर। लाइक करते चलना बच्चों, लाइक करते चलना, है ना, और सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, ये बहुत ज्यादा चर्चा में आया था, चूंकि कोरोना, आप सभी सुनते हैं सार्स, आप सुनते हैं मर्स, क्या है ये सब? सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस के कारण। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये चाइना में 2003 में आया था। मर्स जो है ये सऊदी अरब में आया था, दोनों ही कोरोना वायरस के कारण हुए थे। तो देखिए, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बारे में क्या है? संक्रमण शरीर में ऑक्सीजन प्राप्त करने से रोकता है। क्या ऑक्सीजन प्राप्त करने से रोकता है? बिल्कुल, ये हमारे श्वसन से रिलेटेड है। तीव्र श्वसन संक्रमण शुरुआती लक्षण नाक और फेफड़ों में दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। क्या ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है? इतनी देर से मैं कोरोना वायरस बोल रहा हूं, बैक्टीरिया नहीं, वायरस के कारण होता है। तीसरा पॉइंट जहां जहां है उसको गलत कर दीजिए, तो ये सी पॉइंट इनकरेक्ट हो गया, डी भी इनकरेक्ट हो गया, और इसमें पहला दूसरा दोनों सही हैं। देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, बिल्कुल पहला दूसरा सही है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, डी कैसे दे रहे हैं बेटा आप लोग? बेटा ये बैक्टीरिया नहीं है, कोरोना वायरस के कारण जितने भी फ्लू होते हैं, जितने भी इंफ्लुएंजाज होते हैं, इंफ्लुएंजा और फ्लू, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, H1N1, H5N1, H5H7, ये सभी वायरसेस हैं। ऑल ऑफ दीज आर वायरसेस, सभी वायरस का प्रकार है। ठीक है, एकदम क्लियर, यस ए आंसर, वेरी गुड। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फर्स्ट एवर सैटेलाइट वॉच लॉन्च्ड बाय चाइना रिसेंटली, पहली सैटेलाइट लॉन्च की है चाइना के द्वारा, वो सूडान ने भेजी है, चाइना ने सूडान की सैटेलाइट भेजी है। क्या आपको एक बात पता है? एक प्रोग्राम चल रहा है, अर्ली बर्ड प्रोग्राम। अर्ली बर्ड प्रोग्राम किसने चलाया है? बहुत ज्यादा चर्चा में था, जापान ने। जापान जितने भी अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी सैटेलाइट्स को भेज रहा है। भूटान जैसे, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह की भी सैटेलाइट्स को भेज रहा है, कुछ साउथ अफ्रीकन सैटेलाइट्स को भी भेज रहा है। तो अर्ली बर्ड प्रोग्राम किसका है? जापान का। लेकिन सूडान की हाल ही में सैटेलाइट किसने भेजी है? चाइना ने। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जूबा। तो सभी राजधानियां आपको पता होनी चाहिए, यस और नो? बिल्कुल ठीक है, एकदम क्लियर है। मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा, भविष्य में आप जो 2021-22 के पेपर देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको एक
कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्लास को लेकर आऊंगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप क्लास, जिसमें क्या हो आपके सभी बेसिक क्वेश्चंस पहले क्लियर हो ताकि आप समझ सकें एडवांस क्वेश्चंस, राइट, कनेक्ट कर सकें। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? और एक क्लास में आपके लिए बर्निंग इश्यूज की, आपको अभी बता दूं, बर्निंग इश्यूज की 8 AM पर क्लास लाऊंगा, जिसमें जो भी टॉपिक करंट अफेयर से रिलेटेड बर्निंग इश्यूज हैं उनको मैं कवर करूंगा। तो डेली 8 AM पर आप मुझे यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अर्ली बर्ड प्रोग्राम जापान का। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है, कासानूर फॉरेस्ट डिजीज, कासानूर जो फॉरेस्ट डिजीज है वो डिजीज मानव में आता है किसकी मदद से? तो कासानूर फॉरेस्ट में विशेष प्रकार के मंकी हैं, उन बंदरों की वजह से ये आता है। देखिए, कासानूर फॉरेस्ट डिजीज, इसी को मंकी फीवर कहते हैं। सबसे पहले इसका 1957 में एक बीमार बंदर पर किया गया था, और यह एक फ्लैबी वायरस के कारण होता है। फ्लैबी वायरस ये लिखा है आपके लिए, फ्लैबी वायरस। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, फ्लैबी वायरस को एक और चीज से कनेक्ट कर लीजिए आप, जैपनीज एंसीफेलाइटिस, जिसमें गोरखपुर में हमेशा बरसात के बाद में बहुत सारे छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो वो जैपनीज एंसीफेलाइटिस भी फ्लैबी वायरस के कारण ही होता है। अब आपको एक और बात याद रखनी है, मुजफ्फरपुर में जो लीची होती है, लीची बहुत ज्यादा उगती है, और छोटे गरीब बच्चे जो हैं जिनके पास पहले ही उनके शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोज की कमी है, तो लीची खाने की वजह से क्या होता है, और भूखे पेट लीची खा लेने से उनके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ब्रेन डिजीज हो जाती है, और उस समय पर सबसे ज्यादा अटैक करता है एक्यूट एंसीफेलाइटिस सिंड्रोम। ये एक्यूट एंसीफेलाइटिस सिंड्रोम जो है AES, ये मुजफ्फरनगर में, जैपनीज एंसीफेलाइटिस ये गोरखपुर में, और फ्लैबी वायरस भी जैपनीज एंसीफेलाइटिस में फ्लैबी वायरस के कारण ही होता है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं एकदम? ओके, चलिए अगला प्रश्न आ रहा है, कैसिन्यूर, तो ये बंदर के कारण। तो 10वां प्रश्न आ गया है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट के बारे में क्या कथन सत्य है? तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया परजीवी वायरस कवक के कारण संक्रमण की बढ़ती सीमा और प्रभावी रोकथाम को धमकी देता है। बिल्कुल, देखो आपको दो डिफरेंस में क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनना। एक तो होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, और एक क्या दिया हुआ है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। दोनों में अंतर क्या है ध्यान से देख लीजिए, एंटीबायोटिक में तो केवल बैक्टीरिया जीवाणुओं के ऊपर, और हम लोग जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं हमारे शरीर में कुछ इस प्रकार के जीवाणु न पनप जाएं जो सभी एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोध बना चुके हैं, तो वहां पर तो टर्म आती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या फिर एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस। और एंटीमाइक्रोबियल में देखिए, यहां पर केवल बैक्टीरिया नहीं, यहां पर बैक्टीरिया परजीवी, OBS रिकनेक्ट सक्सेसफुल, अब आ गया ना। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कहां चल रहा है यार। हेलो दोस्तों, 2 मिनट वेट कीजिए, थोड़ी सी एक दिक्कत क्या हुई, अचानक से मेरा वाईफाई क्यों बंद हुआ आई एम इवन नॉट, तो थोड़ी सी एक दिक्कत आ गई, इसीलिए अचानक से इंटरनेट बंद हो गया और इसी कारण ये समस्या आ गई। ठीक है, तो वापस आ चुके हैं, बिल्कुल कई बार ऐसी समस्या आ जाती है। एक बार फिर से बफरिंग कर रहा है शायद, देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। नहीं, अभी बफरिंग नहीं आ रही होगी, अभी सब कुछ ओके है, कन्फर्म कर दीजिए एक बार, ऑल ओके, हाँ है ना। चलिए तो शुरुआत करें, आगे शुरुआत कर दें। चलिए अब बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस में सुपर बग, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, आवाज भी आ रही है, यस ओके है सब कुछ। तो सुपर बग, तो सूक्ष्म जीव जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करते हैं, तो देखो
जब कभी ऐसी कंडीशन बन जाए, कभी भी ऐसी कोई कंडीशन बन जाए जिसमें कोई भी एंटीबायोटिक मेरे शरीर में इस प्रकार के परजीवी बन गए जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई एंटीबायोटिक का असर हो ही नहीं रहा है, वो प्रतिरोधकता इतनी ताकतवर बना लिए, उनको बोलते हैं सुपर बग, द स्ट्रॉन्गेस्ट बैक्टीरिया, कोई असर नहीं होगा। तो वही क्या है, वही क्या है, सुपर बग। और सुपर बग का केस देखा गया था यूरोप में 2017-18 में, जब एक यूरोपियन महिला की मृत्यु हो गई, उसे सभी एंटीबायोटिक्स दे दिए लेकिन वो बच नहीं पाए। एकदम क्लियर है? तो दोनों ही पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं, ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सुपर, ठीक है, चले आगे चलें। तो अगला प्रश्न आ रहा है, निमोनिया के बारे में क्या कथन सत्य है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये, निमोनिया के बारे में क्या कथन सत्य है? क्या ये वायरस से होता है, क्या ये बैक्टीरिया से होता है, या फिर फंगी से? तो याद रखना ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, तीनों से निमोनिया होता है, वायरस से भी, बैक्टीरिया से भी और फंगी से भी, ठीक है, ये बात याद रखना। वैसे माइकोप्लाज्मा आप लोग सुनते होंगे, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया होता है PPLO के द्वारा, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सी नहीं है, डी है आंसर, सभी के द्वारा होता है, राइट। अच्छा, 10वें का आंसर दे रहे हैं आप, 10th का आंसर, 11th का डी, यस। तो निमोनिया इंफेक्शन इज वन ऑफ द बोथ लंग, दोनों फेफड़ों में हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण भी, वायरसेस के कारण भी, फंगी के कारण भी हो सकता है। और इसमें जो हमारी एल्वोइलीज हैं, उसकी एल्वोइलीज लास्ट पॉइंट होते हैं फेफड़े के, जहां से ऑक्सीजन रक्त में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ऑक्सीजन तो अंदर प्रवेश करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और दोनों में एक एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है, इन दोनों पर, इन दोनों में का आंशिक दाब अलग अलग होने की वजह से कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम लोग श्वास ले लें और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल जाए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही आंशिक दाब अलग अलग होता है, कभी भी ये मिक्स नहीं होती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, तीनों पॉइंट सही हैं, राइट, तीनों पॉइंट सही हैं, ठीक है, याद रखना। प्रियंका सिसोदिया जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीनों सही हैं, ठीक है। चलिए, फोटोकैटेलिक पेंट्स क्या टाइटेनियम ऑक्साइड के कैटलिस्ट, क्या उत्प्रेरक के तौर पे काम करते हैं क्या टाइटेनियम ऑक्साइड, और क्या ये वायु में से प्रदूषकों को हटाने में मदद करते हैं? बहुत अच्छा डायग्राम दिखाने वाला हूं, सब कुछ क्लियर होने वाला है। बिल्कुल, फोटोकैटेलिक पेंट में हम लोग टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग जो अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन वाली जो क्रीम्स होती है, यूवी प्रोटेक्टेड क्रीम्स, उनमें भी टाइटेनियम डाइऑक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। और देखिए, एंटी स्मॉग गन यूज टू नेबुलाइज द वॉटर ड्रॉपलेट टू सेटल द ड्रॉप। देखिए, पिछले दिनों में क्या हुआ था, दिल्ली शहर में एक सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे ही सर्दी शीत ऋतु आती है, वहां पर फॉग हो जाता है, और दिल्ली शहर में आसपास बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से वो फॉग किस में तब्दील हो जाता है, स्मॉग में तब्दील हो जाता है, यस, स्मॉग में। अब स्मॉग वाला पार्टिकल जब हम लोग अपने शरीर में लेते हैं तो हमारे शरीर में यह प्रवेश कर जाएगा, और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो फेफड़ों से संबंधित डिजीज लेके बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में आ जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, एंटीगन धूल के लिए नेबुलाइज वाले ये ड्रॉपलेट पार्टिकल्स जो है हमने बनाए हैं, ताकि क्या हो सके। तो देखिए, फोटोकैटेलिक का प्रयोग बिल्कुल हम लोग उत्प्रेरक के रूप में, जितने भी पॉल्यूशेंट हैं, देखिए ये डायग्राम देख लीजिए, फोटोकैटेलिक पेंट्स क्या करते हैं, इस प्रकार से ये जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स है, देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनके ये डॉट पार्टिकल्स इनसे क्रिएट करके, और ये क्या करते हैं, पॉल्यूशंस को खत्म करते हैं, फोटोकैटेलिक, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा पॉइंट जो है, नेब्यूलाइजर वाली गन, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी, ये आंसर पहले ही आ गया, 5G कम्युनिकेशन में क्या चाइना पहला देश है जिसने 5G
कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगाए, नहीं, चाइना की हुवाई कंपनी के बारे में आप बहुत सुन रहे हैं और दुनिया में, पूरे दुनिया में डिप्लॉय करने के लिए हुवाई कंपनी सबसे बेस्ट है जो 5G नेटवर्क को लगा सकती है, लेकिन कुछ पर्सनल सिक्योरिटी हैकिंग वगैरह के चलते, और जो हुवाई के ओनर है ना, वो कभी जो चाइना की कम्युनिस्ट आर्मी है उसके भाग रहे हुए हैं जो चेयरमैन ऑफ द हुवाई कंपनी है। इसीलिए कोई भी देश हुवाई को 5G नेटवर्क लगाने के लिए अलाउ नहीं कर रहा। तो देखिए ये बात सही है, चाइना सबसे लीडिंग देश है, वो 5G का नेटवर्क दुनिया के देशों में जाल बिछा सकता है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले 5G सर्विसेज स्टार्ट करने वाला देश जापान है। हमको कंफ्यूजन होता है चाइना होगा, चाइना डिप्लॉय कर सकता है, लेकिन पहला देश जापान है, एकदम क्लियर। लेटेंसी रेट, भाई एक बात बताइए, लेटेंसी रेट क्या होती है? टाइम डिले। तो टाइम डिले तो 4G सर्विसेज में जो है ज्यादा होगा, 5G सर्विसेज में उससे कम होगा, 6G सर्विसेज आएंगी उसमें और भी कम टाइम डिले होगा। तो देखिए लेटेंसी तो दोनों ही गलत है, चाइना नहीं है, जापान है, और 5G नेटवर्क में लेटेंसी रेट कम होगी, क्योंकि लेटेंसी का मतलब टाइम डिले, टाइम डिले। तो नाइदर वाला ऑप्शन सही है, एकदम क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको क्या बोलते हैं? QRSAM। ये बहुत ज्यादा इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे हम लोग मैत्री कहते हैं, क्या ये लिक्विड फ्यूल से चलती है क्या, तरल ईंधन से? नहीं, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल ये सॉलिड फ्यूल से चलती है, है ना। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली इससे पॉइंट्स लग जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, ठीक है। यह उच्च उड़ान लक्ष्य के लिए सबसे प्रभावी है, देखिए उच्च उड़ान लक्ष्य को यह नहीं प्राप्त कर सकती क्योंकि इसकी रेंज ही कम है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज केवल 25 से 30 किलोमीटर है। आपने ये दो पॉइंट पढ़े होंगे आपकी लाइफ में, एडवांस एयर डिफेंस और पृथ्वी एयर डिफेंस। तो एडवांस एयर डिफेंस जो है इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग कर रहे हैं, पृथ्वी एडवांस डिफेंस में हम लोग पृथ्वी का कर रहे हैं। तो जो लो सरफेस के जो ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करने के लिए हम आकाश मिसाइल की जगह क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल पर काम कर रहे हैं, है ना। और ये डेवलप्ड बाय इंडियन डिफेंस रिसर्च, है ना, DRDO ने बनाया है, ठीक है। तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की जो रेंज है वो केवल 25 किलोमीटर है और सॉलिड फ्यूल से चलती है, तो हाई ऑब्जेक्ट के लक्ष्य को टारगेट नहीं किया जा सकता। आगे आ रहा है सोहो, ये सोहो नासा के द्वारा बनाया गया है, सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। नासा के द्वारा सूर्य के अध्ययन करने के लिए पंच मिशन, पार्कर सोलर प्रोब, सोहो जिसका फुल फॉर्म है सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेशन, और इसके अलावा नासा ने ट्रेसर, तो चार मैंने आपको बता दिए, ट्रेसर, पार्कर सोलर प्रोब, सोहो और पंच मिशन, ये सभी नासा भेज रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसरो के द्वारा बनाया गया, लेकिन सेकेंड पॉइंट बिल्कुल सही है, इट सीक्स टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ द सन इंटीरियर, सूर्य के आंतरिक भाग का अध्ययन करेगा, ये बिल्कुल सही है। हरीशु बनाजी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं अब तक जो है 26 बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को डिस्कस कर चुका हूं, तो अब गगनयान पर क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी 10 अलग से किए, अभी 16वें क्वेश्चन पे चल रहा हूं। तो गगनयान मिशन को क्या GSLV की मदद से भेजा जाएगा क्या? बिल्कुल भेजा जाएगा, लेकिन GSLV MK3 की मदद से भेजा जाएगा, तो पहला पॉइंट गलत है, यहां पर 2 दिया हुआ है। और GSLV MK3 को बाहुबली कहते हैं, और चूंकि गगनयान लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 300 से 400 किलोमीटर ऊपर जाएगा, और इसमें हमारे 3 मानव जाएंगे, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगी भारत की पहली, तो लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000
किलोग्राम तक का यह वजन का सैटेलाइट लेके जा सकता है, और गगनयान का भार जो है ना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 7800 किलोग्राम होगा, तो बिल्कुल ये लो अर्थ ऑर्बिट में जीएसएलवी MK3 की मदद से भेजा जा सकता है। तो ये पहला पॉइंट तो गलत है, द्वारा अब तक मानव यान के लिए आवश्यक तकनीक का परीक्षण नहीं किया गया है। द टेक्नोलॉजी नीडेड टू ह्यूमन स्पेस, देखो अब इसकी तकनीक का जो है, देखिए द टेक्नोलॉजीज नीडेड फॉर द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हैव नॉट बीन टेस्टेड बाय, बिल्कुल अभी तक टेस्ट नहीं की गई है, अब हम लोग टेस्ट करेंगे इस पर, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, एकदम क्लियर। अगला प्रश्न आ रहा है, आप दोनों बेटा गलत हैं, दोनों गलत हैं, है ना, अभी तक अब हम लोग टेस्ट करेंगे, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हैव नॉट बीन टेस्टेड, भाई पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2022 में जाएगी, तो हमने कहां टेस्ट किया है बेटा, एकदम क्लियर है। तो आंसर बी नहीं डी आएगा, दोनों ही इनकरेक्ट हैं, ठीक है। चलिए, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, आप बहुत ज्यादा नाम सुनते हैं NAL का, और NAL ने सरस नाम के प्लेन्स बनाए हैं, है ना, सरस नाम के प्लेन्स बनाए हैं। ये कोई फाइटर जेट्स लॉन्चिंग न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, सरस तो सिटीजन के प्लेन है, सिटीजन स्पेसिफिक प्लेन है सरस, एकदम क्लियर है, सरस सिटीजन बेस्ड प्लेन है। और NAL कॉन्स्टिट्यूट द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, NAL क्या CSIR के अंडर में आता है क्या, CSIR के अंडर में आता है क्या, बिल्कुल सही बात है, CSIR के अंडर में आता है। तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट गलत है, जहां पहला पॉइंट आ रहा है इसे गलत कर दीजिए, यह गलत हो गया, चूंकि दूसरा सही है तो नन ऑफ द अबाउ तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर वैसे ही आ गया, तीसरा पढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, यस और नो, पहला गलत है, मैंने दोनों काट दिए, फिर क्या हुआ, दूसरा बिल्कुल सही है तो नन ऑफ द अबाउ हो ही नहीं सकता, तो तीसरा अपने आप सही आ गया। NAL मैंडेट टू डेवलप एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल भारत के लिए विमानन सामग्री बनाती है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में समर्थन देती है, तो NAL नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो HAL किसके अंडर में आता है, DRDO के अंडर में, यस और नो, क्लियर है ना, यस yes, तो बी आंसर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम के बारे में क्या कथन सत्य है, इट विल बी प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट, क्या इसे लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा, इट विल बी एंश्योर रियल टाइम कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन विद द वेरियस इंडियन सैटेलाइट इन स्पेस, ताकि क्या हो सके, आपको एक बहुत छोटा सा पॉइंट पता होगा, ये अर्थ है और इसके बाहर 36,000 किलोमीटर पे सैटेलाइट से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, तो 36,000 किलोमीटर कम्युनिकेशन सिग्नल जाता है और वापस आता है, तो जाने और आने के दौरान ये कुल 0.2528 सेकंड का एक डिले हो जाता है, 36 तो लेटेंसी बढ़ जाती है। तो अब हमको क्या है, ये जो कम्युनिकेशन डिले, ये जो लेटेंसी टाइम ज्यादा लग रहा है, उसको कम करने के लिए भारत, बिल्कुल सही है पहला पॉइंट, देखिए अगली स्लाइड में आंसर गलत होगा, मैं सुधार कर बता रहा हूं, तो लो अर्थ ऑर्बिट बिल्कुल सही है इसमें, ताकि क्या हो सके, उस टाइम डिले को कम किया जा सके, इसलिए इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में लगाया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट यह, अंतरिक्ष के विभिन्न भारतीय उपग्रहों के साथ वास्तविक समय में संचार को सुनिश्चित करेगा, बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए यहां पर यह पॉइंट गलत है, आप ध्यान से सुनिए, यहां पर सही आंसर क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट में भारतीय डिले रिले उपग्रह प्रणाली को रखा जा रहा है और यह समय के डिले को कम करेगा, इसका सही आंसर सी है, याद रखना सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला पॉइंट आ गया पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस प्रक्रम आप बहुत सुनते हैं, किसी भी चीज को हम लोग गर्म कर रहे हैं तो पायरोलाइसिस है, पायरोलाइसिस के बारे में ये तीनों ही कथन जो है अभी देखते हैं। पायरोलाइसिस ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्मी के, देखिए डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मटेरियल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ द हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो पायरोलाइसिस में क्या करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक मटेरियल को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरोलाइसिस होता है।
रेट ऑफ द पायरोलाइसिस डिक्रीज द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। भाई जब पायरोलाइसिस का मतलब ही पायर है और पायर का मतलब भी PYRE, पायर का मतलब ही आग है, तो गर्मी तो बढ़ाएगा, है ना। रेट ऑफ द डिक्रीजेस, तो रेट कम कैसे होगी, रेट बढ़ेगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी। सेकेंड पॉइंट भी इनकरेक्ट। पायरोलाइसिस क्या एक्सोथर्मिक है? पायरोलाइसिस के अंदर हमको पहले गर्मी देनी पड़ती है, तो इसलिए गर्मी, ठीक है, सॉरी, एक्सोथर्मिक का मतलब ऊर्जा निकालता है क्या, एक्सो का मतलब क्या हो गया, ऊर्जा निकालना, तो ये एंडोथर्मिक है क्योंकि इसमें ऊष्मा को देना पड़ता है, तो ये पायरोलाइसिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमको अलग से ऊष्मा देनी पड़ेगी तब पायरोलाइसिस होगा। जो भी वेस्ट पदार्थ हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, पायरोलाइसिस की प्रक्रिया से सुधार सकते हैं। तो तीनों ही गलत हैं बेटा, तीनों ही गलत हैं। पायरोलाइसिस बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के, पायरोलाइसिस में जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे अलग से गर्मी देंगे, जब गर्मी दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया ना, एक्सोथर्मिक नहीं हुआ, ठीक है, डी आंसर इज करेक्ट। तो आज का मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्राइस हाइक होने वाला है, यदि आपने मूड बना लिया है तो आप अभी से ही कोर्स को ले लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको मदद मिले। हंड्रेड्स प्लस फैकल्टीज, मतलब कई 200-400 फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, टॉप एजुकेटर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, मेरा भी अपना कोर्स चलता है, सभी फैकल्टीज का अपना डेडिकेटेड कोर्सेज चलते हैं, आप सभी में एनरोल हो सकते हैं। तो आप जरूर क्या है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बायोचार रिड्यूस द सॉइल फर्टिलिटी एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्या बायोचार के कारण सॉइल फर्टिलिटी और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रिड्यूस होता है, कम होता है? बायोचार की मदद से, तो देखिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में है ना, कार्बन की कमी, मतलब कुल मिला के हम लोग मृदा की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं, यहां पर कम दिया है, तो पहला पॉइंट इनकरेक्ट है। पहला पॉइंट जहां जहां है उसे इनकरेक्ट कर दीजिए, गलत गलत और गलत। जिस किसी बिंदु पर आप एक बार कॉन्फिडेंट है ना, सबसे पहले आप एलिमिनेशन खेलिए, सबसे पहले गलत कीजिए, ताकि आप एलिमिनेट करने पर बिंदुओं को कम कर लेंगे, फिर ऑप्शन पर लगाइए। तो अब बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा। तो देखिए, बायो ऑयल इज प्रोड्यूस थ्रू द फास्ट पायरोलाइसिस। बिल्कुल, बायो ऑयल ऑयल में क्या होता है, उन्हें तेजी से गर्म किया जाता है और उनकी मदद से क्या है, जो है प्रति सेकंड दर बढ़ती है। कीचड़ का उपयोग, ट्रीटमेंट ऑफ द स्लज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बिल्कुल, स्लज को पहले ड्राई कर लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए, पायरोलाइसिस की मदद से ऊर्जा बनाई जा सकती है। इन पायरोलाइसिस हायर एल्कीन्स गेट कन्वर्टेड इंटू लोअर एल्कीन्स एंड एल्केन्स। बिल्कुल सही बात है, बड़े अणु छोटे अणु में तब्दील होते हैं, तो ये तीनों पॉइंट सही है। बायोचार के बारे में बिल्कुल सही हो गया। बुशरा मलिक जी, एक और बात बता दूं, मैं आज और भी कई सारी क्लासेस लाने वाला हूं और आज और भी कई सारे क्विज में करवाने वाला हूं, तो आप लोग सभी आज सभी लोग क्विज में पार्टिसिपेट करना बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट आए हैं तो, लेकिन क्विज में पार्टिसिपेट करना। आप किसी एक पॉइंट पर भी कॉन्फिडेंट है ना, सबसे पहले आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका, ए आंसर सही है, ठीक है। अगले जो प्रश्न है हम लोग बाद में करेंगे, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न हैं, तो हम लोग इसके बाद में चर्चा करेंगे अन्य प्रश्नों की, राइट। तो दिस इज माई रेफरल कोड, प्राइस हाइक होने वाला है, उम्मीद है प्रिलिम्स से पहले पहले हो जाएगा। यदि आपने प्लानिंग कर ली है तो जल्द से जल्द आप लोग जो है ना अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आपकी एक कंप्लीट फ्लो में तैयारी हो जाए, बजाय कि आप जो है इधर उधर घूमते हुए तैयारी करते हैं। हमारे सभी एजुकेटर्स और पूरे भारतवर्ष के सभी एजुकेटर्स आज की तारीख में अनअकैडमी पर, आपको पता है, जितने भी दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, बिहार और जितने भी फैकल्टी हैं साउथ इंडिया के, वो सभी आज अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, सभी की तैयारी आपको हो जाएगी। और प्राइस हाइक होने वाला है, तो यू शुड नॉट डिले, आप मेरे रेफरल कोड की मदद से
और भी मैं आपको कुछ मदद कर सकता हूं, जरूर मैं आपको और भी मदद कर सकता हूं तो मैं करूंगा। आप मेरे पहले के जो कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, इट इज 29th December टूडे, रेफरल कोड RPSIR10 याद रखिए, और मुझे आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां भी मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन कराता हूं। माय नेम इज रुद्र गौतम, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप एज वेल। सो गाइज, कैसा लगा आज का क्वेश्चन, कैसा लगा आज का क्वेश्चन दोस्तों बताइए। और आज मैं बहुत सारे MCQs आपको YouTube पर लेकर आऊंगा, क्विज लेकर आऊंगा, तो आप देख लेना और